नाउ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कटिंग ऑफ लेंस. लेंस को कट करने के बेटा दो तरीके हो सकते हैं. अगर ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मैं लेंस को इस तरह से भी काट सकता हूँ और इस तरह से भी काट सकता हूँ. जब मैं इस तरह से काटूंगा देन इट इज नोन एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जब मैं इस तरह से काटूंगा बेटा देन इट इज नोन एज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ वी आर डीलिंग विद फर्स्ट केस. फर्स्ट केस कटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मैं लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कट कर देता हूँ. समझिएगा बेटा, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है. अगर इस लेंस के ग्लास के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो मैं इसकी फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूले से बोल सकता हूं 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसके पैरेलल इसको कट कर देता हूं, देखिए बेटा कट करूंगा तो क्या होगा, इस तरह से कई पीसेस आपके पास आ जाएंगे. देखो बेटा इस तरह से मैंने पार्ट में ब्रेक कर दिया. अगर मैं किसी भी पार्ट की बात करता हूं, लेट सपोज मैं इस पार्ट की बात करता हूं, इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट का ये सरफेस है ये किस स्फीयर का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है बेटा r1 स्फीयर के रेडियस का पार्ट है, और ये वाला पार्ट r2 रेडियस का पार्ट है. इसका मतलब अगर मैं छोटा सा टुकड़ा निकाल के लाता हूं, मैं अलग से उसका डायग्राम बना के बनाता हूं, फर्स्ट पार्ट का बनाता हूं, दिस इज अ पार्ट, ये ऊपर रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. अब क्या होगा बेटा समझिएगा, अगर कोई पूछे आपसे इस पार्ट की रेडियस बताइए लेफ्ट पार्ट की, तो आप कहोगे इस पार्ट की रेडियस r1 है, क्योंकि ये जिस स्फीयर से कट कर बना है उस स्फीयर के उस पार्ट की रेडियस कितनी थी r1, तो इस पार्ट की भी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा r2. कट करने से मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा. इसका मतलब जो भी पार्ट कट करके आएगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सेम है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है. अगर दोनों सेम है इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ वही होगी इस पार्ट की जो इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ थी. क्लियर हो गई बात बेटा, फर्क क्या पड़ेगा समझिएगा. मेरे पास पूरा लेंस था तो बहुत सारी रे रिफ्रेक्ट होकर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कर रही थी. अगर मैं एक टुकड़े की बात करूंगा तो इसमें बहुत कम रेज इससे रिफ्रेक्ट होकर यहां पर आएंगे. क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है, तो इसमें से अंदर आने वाली रेज, एंटर करने वाली रेज, जो रे इंसिडेंट होगी वो कम होगी. रे इंसिडेंट कम होगी तो रिफ्रेक्टेड रे भी कम होगी, यानी जो हमारी इमेज होगी उसके फॉर्मेशन के जितनी रेस मिल रही होंगी वो पहले के रिस्पेक्ट में कम हो गई होंगी. अगर वो कम हो जाएंगी तो मुझे इमेज कैसी दिखाएगी, लेस इंटेंस दिखाई देगी, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. क्लियर होगी बात बेटा. तो मैंने यहां इसको नोट डाल के लिखा, देखिए, ऑन कटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम. हर पार्ट की फोकल लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज गेट्स रिड्यूस्ड. क्लियर होगी बात बेटा, जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी. नाउ सेकंड केस, कटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस तरह से कट कर रहे हैं. आपको पता है इस लेंस की फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है. अगर मैं इसको इस तरह से काटूंगा तो कौन सा शेप निकल के आएगा, देखिए बेटा शेप के बारे में जरा बात कर लेते हैं. इस तरह से कट किया मैंने, फर्स्ट शेप जो आएगा आपके पास वो इस तरह का आएगा. देखिए सेकंड पार्ट जो आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको. क्लियर होगी बात बेटा, अगर इसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो इस लेंस का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू रहेगा मटेरियल का, और इस लेंस के मटेरियल का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू ही रहेगा. इस सरफेस की रेडियस r1 होगी, ये प्लेन सरफेस है तो क्या मैं इसकी रेडियस इनफाइनाइट बोल सकता हूं. सेकंड के लिए बात करता हूं, इस सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट, इस सरफेस की रेडियस r2. मैं नाम रख देता हूं, इस लेंस का नाम है l1, इस लेंस का नाम है l2. तो अगर मैं इसकी फोकल लेंथ लिखना चाहूं तो बेटा क्या लिखूंगा, देखिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, अज्यूम्ड ये एयर में रखा है, 1/r1 माइनस 1/r2. क्लियर हो गया बेटा, इस सरफेस के लिखूंगा तो r1 तो r1 रहेगी पर r2 क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. लिखता हूं बेटा, तो इसकी फोकल लेंथ f1 म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/इनफाइनाइट,
उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, 1 बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। F2, पहली सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट, म्यू माइनस 1, 1 बाई इनफाइनाइट अपॉन 1 बाई आर टू। आर वन आर टू को जो साइन होगी आप रख देंगे, साइन रखते ही आपके पास एफ वन और एफ टू की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर मैंने परपेंडिकुलर काटा है तो ये जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है इन दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऑन कटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल चेंज, हर पार्ट की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज की बात करता हूं बेटा, इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है, मैंने बताया कितनी रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिल रही है, कितनी रे इंसिडेंट हो रही है ये किस बात पर डिपेंड करता है, उस लेंस का अपर्चर कितना। अपर्चर याद होगा आपको, पढ़ता है अपर्चर इज बेसिकली इफेक्टिव डायमीटर। आपको अगर मैं याद कराऊं, आपको एक तरबूज वाले एग्जांपल से मैंने सिखाया था कि अगर एक वाटरमेलन है उसको यहां से साइड से काट दो बेटा, आप अगर आप वाटरमेलन को इधर साइड से काटोगे, ये काट दिया, आप इसको सामने से देखोगे ऐसे लाके, तो आपको यहां पर लाल लाल पार्ट दिखाई देगा, जो रेड रेड पार्ट है फिजिकली दिस पार्ट इज सेम एज अपर्चर। कितना एरिया आपको इफेक्टिव एरिया मिलता है सो दैट की रेज एंटर कर सके उस रीजन में, क्लियर हो गई बात बेटा। तो अगर मैंने इसको इस तरह से काट दिया तो दोनों पार्ट का अपर्चर क्या रहेगा, सेम, क्यों, पहले इसका जो अपर्चर था वही इसका भी अपर्चर है। तो अगर अपर्चर सेम रहा तो जितनी रे इंसिडेंट इसमें हो रही थी और रिफ्रैक्ट होकर मिल रही थी उतनी रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होकर एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम, बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज मिल रही थी इस केस में और इस केस में वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेन सेम, क्लियर होगी बात बेटा, अपर्चर चेंज नहीं हुआ इसलिए इंटेंसिटी सेम रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन एग्जांपल ऑन द कॉन्सेप्ट विच वी हैव रेड अर्लियर। ओके बेटा, क्वेश्चन इज एज शोन इन द फिगर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर ईच एंड मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2। इसमें दोनों पार्ट की रेडियस 30 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 3/2, क्लियर हो गया। लेंस इट कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से काटा गया है। ओनली वन पार्ट इज यूज, एक पार्ट ही यूज किया गया अगले पार्ट के लिए, अगले स्टेप के लिए। देन फाइंड ओल्ड एंड न्यू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्लियर होगी बात बेटा। ओल्ड एंड न्यू लोकेशन ऑफ इमेज, पहले मैं ओल्ड का पार्ट कर लेता हूं फिर मैं न्यू का पार्ट करूंगा, ठीक है बेटा। तो ओल्ड फोकल लेंथ निकालने के बाद के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1, 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। मैं ओल्ड के लिए करता हूं बेटा, अगर मैं ओल्ड के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आर 1 क्या आपको 30 दिख रहा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, प्लस R2 इस सरफेस से लिए क्या लिखूंगा मैं, माइनस 30, क्लियर हो गया बेटा। म्यू आपको म्यू जी 3/2 दिया है, बाहर के मीडियम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं इट इज एयर, यानी म्यूम क्या गया 1, लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई एफ म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1, 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2, क्लियर हो गया बेटा। म्यू जी बाई म्यू एम, म्यू जी इज 3/2, म्यू एम इज 1, आर 1 1/30 माइनस 30, ये आ गया बेटा 1/2, 1/30 प्लस 1/30 2/30, यानी 1 बाई एफ आ गया आपका 1/30, यानी एफ टर्न्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर्स, क्लियर हो गई बात बेटा। ओल्ड फोकल लेंथ तो मैं इसे एफ ओ लिख देता हूं, एफ ओ मतलब ओल्ड फोकल लेंथ, क्लियर हो गई बात बेटा। अब एफ ओ आ गया, मुझसे पूछे क्या ओल्ड एंड न्यू लोकेशन ऑफ इमेज, पहले मैं ओल्ड लोकेशन निकाल लेता हूं, फोकल लेंथ मेरे पास है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन मेरे पास है, तो क्या मैं इमेज की पोजिशन पूछी गई तो क्या मुझसे वी पूछा गया है, तो फॉर्मूला आपको स्ट्राइक कर गया होगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, दैट इज लेंस फॉर्मूला 30 सेंटीमीटर, सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30, यू इज माइनस 40 रियल ऑब्जेक्ट, वी निकालना है मेरे को, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ,
माइनस वन बाई फोर्टी प्लस वन बाई थर्टी, कॉमन लेंगे 120 कॉमन, फोर थ्री जा थ्री फोर जा वन, क्या वी टर्न्स आउट टू बी व्हाट प्लस 120 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 120 के डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गई बात बेटा? ये पार्ट मैंने किसके लिए किया? ओल्ड वंस के लिए। ओल्ड वन के लिए आपको कैलकुलेशन क्लियर हो गया बेटा? ये तो बेसिक पुराना वाला पार्ट था जो आप कर चुके हो। अब मैं न्यू वन के लिए पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि क्या आपके पास क्वेश्चन क्या है। न्यू फॉर न्यू और न्यू, अगर मैं इस तरह से काटूंगा तो मेरे पास पार्ट कितना बचेगा बेटा? देखना, दिस पार्ट विल रिमेन्स विथ अस, हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पार्ट की रेडियस 30 होगी, इस पार्ट की रेडियस इनफाइनाइट होगी? कुछ लोग करेंगे सर ये वाला पार्ट भी तो बचेगा। बिल्कुल सही बोलो बेटा, आप उससे भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा जो मैं इससे करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये 30, ये इनफाइनाइट, फोकल लेंथ निकालना है। क्या मैं लिख सकता हूं इस पार्ट में आर वन आपका 30 होगा प्लस 30, आर टू होगा माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस साइन लिख दिया मैंने, या इनफाइनाइट एक ही बात है बेटा, माइनस इनफाइनाइट लिखूं या प्लस इनफाइनाइट? ठीक है बेटा, म्यूजी मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा और मीडियम का कितना रहेगा 1। मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 बाई एफ म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1, 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। सॉल्व करते हैं, 1 बाई एफ म्यू जी 3 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई आर 1 1 बाई 30 माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 30 1 बाई 60, यानी एफ टर्न्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात बेटा? अब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज की पोजीशन निकालता हूं। ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, 40। वापस से मैं लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। लेंस का फॉर्मूला था 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ आपके पास आ गया, इसका नाम एफ एन लिख दिया, न्यू फोकल लेंथ, एफ एन आपके पास है, यू आपके पास माइनस 40 है, मुझे निकालना क्या है वी। फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ। वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 बाई वी यू माइनस 40 फोकल लेंथ 1 बाई 60, 120 एलसीएम आ गया, वी टर्न्स आउट टू बी माइनस 120। अगर वी आपका माइनस 120 आ गया, इसका मतलब इमेज यहां ना बनके कितना बनेगी, पीछे बनेगी इमेज, इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 120, यानी यहां आपकी इमेज बनेगी। क्लियर हो गया बेटा? दोनों पार्ट की अलग अलग मैंने फोकल लेंथ निकाल ली है, लेंस फॉर्मूला लगा के मैंने वी निकाल लिया दोनों पार्ट का। पहले पार्ट में वी आ गया प्लस 120, दूसरे पार्ट में आ गया माइनस 120। दीज आर द आंसर्स। एंड दिस ओल्ड एंड न्यू फोकल लेंथ, ओल्ड फोकल लेंथ इज 30, न्यू फोकल लेंथ इज 60। ओल्ड एंड न्यू लोकेशन ऑफ इमेज, ओल्ड लोकेशन आई प्लस 120, न्यू लोकेशन आई माइनस 120, ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया बेटा?